उसके एक्सप्रेशन नहीं निकल रहे। अरे सुपर ब्रो तू क्या क्रिएटिव है गाइस, ये ऐसे ही रहना चाहिए ना। वैसे भी ये फेस से निकलता नहीं है इसका ज्यादा कुछ एक्सप्रेशन, मतलब और क्या निकलेगा गाइस। मैं गोस्ट हंटर, अबे वो स्पीकर है, क्या हो गया पागल हो गया, ऐसा हवा आएगा। अबे ऐसा मत कर, मंदिरा नहीं आज तू। एक सेकंड गाइस, लॉस्ट इट का बेस्ट मोमेंट अभी हुआ है। साला इसने अपने आप को मुंह पे स्प्रे, इसीलिए ये पहन ले। अबे पहन ले, अबे तेरी बू है इसमें। एनीवेज फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बैट्समैन टू बी डिसमिस्ड इन कुंबलेस 10 विकेट हॉल एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम वाज वसीम अकरम। वी नो इट हु टुक हिज कैच। लास्ट बैट्समैन टू बी डिसमिस्ड इन अनिल कुंबलेस 10 विकेट हॉल एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम वाज वसीम अकरम। But who took his catch? His catch. उसका कैचर कौन था? Guys, इसके बाद मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा आयुष का, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, साइलेंस रखिए प्लीज। डैश मतलब डैश, राहुल जोशी। ब्लैंक 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 मेड हिज टेस्ट डेब्यू अलोंग साइड अ विकेट कीपर इन अ गेम इन विच ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पिक्ड अप हिज करियर बेस्ट फिगर्स ऑफ 6 for 9। क्या अबे ये क्वेश्चन ही इतना बुरा है। His highest test score was 206. Who? तू पढ़ अभी, तू पढ़ देख। Guys, you have to answer the dash. Who was this person who made his test debut along a wicketkeeper in a game in which the current Australian captain picked up his best career figures of 6 for 9? Current 69. हाँ मतलब वो अपनी सिद्धार्थ माल्या नहीं होगा। हाँ हाँ सिद्धार्थ माल्या यार, ना doesn't like it. Yeah. You know why he says bye to people? Because he's a chakka. No, because he's bye. Very nice. Last time he मारा था। I know, but repeat value है यार ये जो का। आशीष देख रहा था तब भी। Oh shit. अब भी, अभी शायद मृदुल भी है ना? Dash made his test debut along a wicketkeeper in a game in which current Australian captain picked up his career best figures 6 for 9. Guys, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। वो इंडियन प्लेयर है जिसने टेस्ट डेब्यू किया है। Guys, अगर नहीं, वो इंडियन प्लेयर है जो कल के आईपीएल मैच में भी था। हाँ वो कल के आईपीएल मैच में खेल रहा था। खेल रहा था वो, बहुत अच्छा प्लेयर है और सब बता। दोनों टीम में से एक प्लेयर है वो। क्या बोल रहा है तो दोनों टीम में से एक ही होगा ना, दो थोड़ी होगा वो। गाइज आंसर दोगे प्लीज, और फुल आंसर दो। गंभीर क्या है, धोनी क्या है, पूरा नाम लिखो ना, आलसी हो। ओके गाइस, क्वेश्चन 3 कमिंग अप योर वे इन एग्जैक्टली 3 seconds। हाँ लास्ट टाइम आंसर दे दो, 5 seconds है आपके पास। विच प्लेयर हैज द स्लोएस्ट 100 इन आईपीएल? इंडियन प्रीमियर लीग का स्लोएस्ट 100 किसने बनाया है? स्लोएस्ट मतलब सबसे धीमा, धीमा 100 किसने बनाया है आईपीएल में? स्लोएस्ट 100 किसने बनाया है आईपीएल में? स्लोएस्ट 100 किसने बनाया है आईपीएल में? एकदम संभाल के तेंदुलकर बोला ये। अबे पता नहीं आशीष, मेरे को आंसर नहीं पता है। सचिन तेंदुलकर तेरे को बहुत पसंद है आशीष, मालूम है? मनीष पांडे, मनीष शर्मा तो उसका डायरेक्टर है ना। मनीष पांडे चंकी पांडे का बेटा है। अबे मनीष पांडे एक और है, नहीं वो मनीष शर्मा ही है। कौन मनीष शर्मा? वो लेडीज वर्सेस रिकी बहाल। हाँ नहीं नहीं, मनीष शर्मा, मनीष शर्मा ना, बैंड बाजा बारात ना। हाँ वो अभी एक फिल्म बना रहा है गाइस, शाहिद कपूर के साथ। शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा के साथ। अनुष्का शर्मा, प्रसाद कोमणे बोलता है तेंदुलकर, मृदुल मित्तल, मित्तल मनीष पांडे। अबे आंसर क्या है? आशीष बोलता है सचिन। सचिन क्या बोलता है? Fourth question coming up your way in exactly 1 second. Gujarati mein padh. Two Indians in IPL history have held on to the maximum number of catches. Name the two. सबसे ज़्यादा किसने पकड़ा है? क्या यार आप लड़कियाँ मत सोचो यार, आपकी सोच ही गंदी है। तो विराट कोहली जीत जाता। हाँ और युवराज, नहीं नहीं युवराज, युवराज ने तो, युवराज की बात मत कर यार। When a person is injured, you don't. अबे वो अभी injured है ना? हाँ तो उसके पाप धुल गए। क्यों?
क्योंकि पाप पिक्चर में ऐसा उदिता गोस्वामी ने बोला था। किसने सबसे ज्यादा कैचेस लिए दो इंडियंस ने आईपीएल में? हुआ था टू इंडियंस इन आईपीएल हिस्ट्री हू हैव हेल्ड ऑन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कैचेस, नेम द टू। तो ऑब्वियसली ना कैच तो हेल्ड ही होता है ना। रोहित शर्मा एंड सुरेश रैना 42 कैचेस, प्रशांत कोमड़े बोलता है। अरे वेरी गुड, मेरे को आंसर नहीं मालूम। बट गाइस आपने राजेश खन्ना का वो एड देखा है, हैवल्स फैन, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकते। वो एड में एक चीज नोटिस करो आप, राजेश खन्ना का मुंह नहीं बंद होता है और ऐसे होता रहता है वो एंड टुवर्ड्स द एंड में। ओहो दीज आर द प्लेयर्स टू स्कोर 5 बैक टू बैक टेस्ट सेंचुरीज। कौन दो प्लेयर है ऐसे जिसने 5 बैक टू बैक टेस्ट सेंचुरीज बनाए हैं? आई थिंक रमेश पवार, आई थिंक सदागोपन रमेश, आई थिंक हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ओफ, उसने दो बनाए ना। वो आई थिंक नेहा धूपिया ओशन वो बॉटल में दे। नेहा धूपिया, अबे क्या हो गया, नेहा धूपिया, नेहा धूपिया सा सीन, या आयशा टाकिया सा कमिंग आउट, विद्या बालन सर एंड एंजेलिना जोली, ऐश्वर्या राइज। ओके गाइस, वी आस्क यू ऑल द क्वेश्चन, नाउ वी गोना गिव यू ऑल द आंसर्स एंड द आंसर स्टार्ट एग्जैक्टली इन 5 सेकंड्स। वन काउंट डाउन द गेट ऑन बेट 5 4 3 2 1 चल चल। ओके चल, last batsman to be dismissed in Kumble's 10 wicket haul at Firoz Shah Kotla was Wasim Akram, who took the catch. Ha, answer the catch was Vengiprabhu Venkatasai Laxman, VVS Laxman. Laxman, we say it with a lax. Laxman. Answer 2, Dash made his test debut along a wicketkeeper in a game in which the current Australian captain picked up his career best of 6 for 9 and his highest score is 206. Who is the player? The answer is अपना गौतिया, गौती रे, गौतम गंभीर। अरे अपना केकेआर का कैप्टन रे, पिंटिया ची हैंडली फूटली पिंटिया। मतलब मेरे को लगा था केकेआर मैच जीत गई है तो ये कुछ अच्छा बोलेगा, उसने क्या बोला? क्या बोला उसने? I'm very glad we have won. Third question, which player has scored the slowest 100 in IPL? And history. The answer is मनीष पांडे। अरे मनीष, अरे मनीष भाई, अपना पांडे भाई, चंकी पांडे का रे कजन रे, 67 बॉल्स में उसने 100 मारा है। अबे विच इज नॉट स्लो बाय द वे, बट आईपीएल स्टैंडर्ड से इट्स स्लो। जरा जरा टच मी, टच मी, टच मी। इन द आईपीएल हिस्ट्री हु हैव हेल्ड ऑन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैचेस एंड द आंसर इज अपना सुरेश। अरे अपना मंगेश, सुरेश रैना एंड रोहित शर्मा। सुरेश, अरे मंगेश, अबे आंसर बोल लो। अच्छा बोलते ही जाना। अरे सुरेश, दूसरा क्या? अरे सुरे रोहित, रोहित थोड़ी राय बोल, रोहित बोल। अरे सुरेश, सुरेश शर्मा एंड रोहित रैना। No, I'm just testing you. अरे सुरेश, जैक गंभीर एंड गौतम कैलिस। हाँ ये लास्ट आंसर है, द लास्ट आंसर इज These are the two players to score 5 back-to-back centuries, Jack Callis and Gautam Gambhir. Jacquist. Sachin को एक साल लगे सेंचुरी मारने में, इन्होंने 5 मैच में 5 सेंचुरी। हाँ, क्योंकि ये लोग सेंचुरियन हैं। क्योंकि वो पावर रेंजर। Okay guys, we land on a high note. मैं आपको आयुष के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। So, everybody, fold your hands, fold your legs and chill. Okay, तो उस दिन हुआ ही नहीं। उस दिन जुहू पे, जुहू एक मुंबई में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे काफी ट्रैफिक था, तो आयुष अपनी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और सामने से इनोवा गाड़ी आ रही है जो लेफ्ट में पार्किंग करने की कोशिश कर रही है, तो आयुष पीछे हॉर्न मार रहा है पै पै पै, और वो इनोवा गाड़ी हट रही नहीं, वो खड़ी है, वो इरिटेट कर रही, तो आयुष चालू हो गया, अबे तेरी बात मतलब बहुत सारी गाली दे रहा है। तो अंदर जो एक अंकल थे वो टकलू थे, अबे वो एक सेकेंड रुक रुक, वेट फॉर द क्लाइमैक्स। वो अंकल टकलू थे, तो आयुष गाली दे रहा, अबे साले आगे जा, अबे तेरे को मार डालूंगा, अबे तेरे घर पे आके फोड़ दूंगा। तो वो अंकल पीछे आया और बोले विंडो खोल जरा, तो आयुष ने विंडो खोला, बोला क्या हुआ अबे, वो बोलता नहीं कुछ नहीं मतलब। तो अंकल बाहर आए और चार इतने बड़े मुस्टंडे बाहर आए, 7 फुट के चार लोग बाहर आए, बोले क्या हुआ। तो आयुष ऐसा था, अरे अंकल साइड पे ले लो, सॉरी अंकल हम तो ऐसे ही बोल देते, थोड़ा साइड पे ले लो, अरे अंकल। और ये मेरे बाजू में बैठा था, ये ऐसे ही था, मैं ऐसे था, फुल जर्नी में ऐसे था, क्या करूं मैं। और इसने तो एक ही आदमी को देखा, ये शायद बोल भी देता तो चार इसको ही चाटा मारते,
क्योंकि मैंने मेरी विंडो नहीं खोली थी, मैंने इसकी विंडो खोली। ये इतना सेल्फिश आदमी है कि इसने मेरा विंडो नहीं, सोचा चल मैं तो मरूं भाई पहले इसको। नाउ लीविंग यू गाइस विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोस, तू भी बोल दे और चलते हैं। नहीं मैं आज फायाकुन पूरा गाऊंगा। ठीक है तू गा ले, मैं जा रहा हूँ।